देखिए, आज का ये कार्यक्रम इंडिया हेल्थ है जो कि इनफॉर्मा मार्केट्स ने रखा है। ये जो कार्यक्रम है बेसिकली एग्जीबिशन है हमारे पास जो आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में आई है, वेदर वो डायग्नोस्टिक्स में आई है, वेदर वो नए मेडिकल डिवाइसेज में आई है, या नए तकनीकी जो हेल्थ केयर में और बेहतरी कर सकती है जो ड्रग्स और APIs में है, ये उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स आए हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स में 60 से 65% इंडियन कंपनीज हैं जो एग्जीबिट कर रही हैं। इसका मतलब इंडियन कंपनीज जो यहाँ पर आज आई हैं वो नई टेक्नोलॉजीज़ को एग्जीबिट कर पा रही हैं, उन्होंने एक नई क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी मापदंड बना के रखा है जो कि यहाँ से ग्लोबली हम लोग नेट एक्सपोर्टर्स बन पाएंगे। ये आम जनता को इससे दो बेनिफिट्स हैं। एक तो ये पता चलता है कि इंडिया में क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस, क्वालिटी मेडिकल ड्रग्स जो है वो किस तरीके की अवेलेबल हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आई हैं, और ये नई टेक्नोलॉजीज़ किस किस डिजीज़ को, किस किस पर्टिकुलर एरिया को इम्पैक्ट करेगी। दूसरा, बिकॉज हमारे पास आज नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, बिकॉज हमारे पास आज नए ड्रग्स हैं, वो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कई एरियाज़ में, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उस एरिया में आज की डेट में कॉस्ट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 80% से ज़्यादा गिर गया है। इसका मतलब एक आम इंसान भी आज की डेट में अगर हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, अगर डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड कोई इशू है, वो इस्तेमाल कर पाएगा और अपने डिजीज़ को क्योर कर पाएगा।